हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। टुडे टॉपिक इज़ नॉन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। स्फेरिकल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन, स्फेरिकल सिमेट्री होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? वो होती है वॉलवॉक्स में। स्फेरिकल सिमेट्री होती क्या है कि मतलब कोई भी प्लेन से काटो वो दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और वॉलवॉक्स क्या होता है? फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा है वॉलवॉक्स। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है कि सिंगल ओपनिंग होती है कि खाना खाने के लिए भी और फिकल मैटर रिमूवल के लिए भी, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। तो ये पाई जाती है सिलेंट्रेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूटेरोस्टोम एनिमल इज, ड्यूटेरोस्टोम एनिमल कौन सा है? स्टारफिश है। इनमें से ड्यूटेरोस्टोम होते क्या हैं? जिनमें एनस की जो डेवलपमेंट होती है वो माउथ से पहले हो जाती है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। इसका और एग्जांपल जो है इसके वो हैं स्टारफिश, सी अर्चिन्स, कोऑर्डेट्स और फिश एंड वर्टिब्रेट्स। ये सारे इसके एग्जाम्पल है ड्यूटेरोस्टोम की। अगला है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोटोस्टोमस प्लान इज एग्जिबिटेड बाय, प्रोटोस्टोमस होता है वो ड्यूटेरोस्टोम के अपोजिट होता है। इसमें माउथ डेवलप होता है एनएस से पहले। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, अर्थोपोड आते हैं इसमें। इसके और एग्जांपल अर्थोपोड, मोलुस्का, एनिलीडा, फ्लैटवर्म, निमेटोटोड्स, ये सारे ही प्रोटोस्टोमस होते हैं। और इसको दूसरा नाम है, इसको अपन साइजोसिलोमेट्स भी कह सकते हैं। जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं वो साइजोसिलोमेट्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। जो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इसके एग्जाम्पल है प्रॉन एंड साइक्लोप्स। एनिलीड्स हैं उनमें कौन क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है? इसमें दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनएस की ओपनिंग अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? एनिलिड हो गया, एसके एलमिंथिस हो गया। ठीक है, इसके एग्जांपल है। एनिलिड्स की और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सिलोमेट होते हैं एनिलिड, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनकी बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। और सबसे मेन पॉइंट एनिलिड है, उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका होता है नेफ्रिडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट वर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिविंग जूलेस वर्टिब्रेट्स, लिविंग जूलेस वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं साइक्लोस्टोम्स होते हैं, वो लिविंग जूलेस वर्टिब्रेट है। इसके एग्जांपल है वो है हैगफिश और लैम्प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंथिक कौन से होते हैं? बैंथिक होते हैं जो नीचे बॉटम में रहते हैं ना, उनको सी में बॉटम में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बैंथिक। सिस्टोन वो होता है जो ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग पार्टिकल हो जो स्विम करते हैं वाटर बॉडी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, सिस्टोन होते हैं फोर्थ वाले। ट्रीटोन होते हैं नॉन लिविंग जो सिस्टोन होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रिप्टोन। ठीक है, नेक्स्ट। नाइरिटिक क्या होते हैं? एनिमल जो प्रेजेंट होते हैं कोस्टल वाटर में। तो अब इसका जो ऑप्शन है वो आ गए हैं, वो मैच कर लेना। इसका आंसर आएगा ए। लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट कौन सा है? वो है व्हेल। व्हेल है वो लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट है। व्हेल है वो किस में आता है? व्हेल कोऑर्डेटा में आता है। और व्हेल की क्लास क्या होती है? मैमल होते हैं व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आर्थोपोड्स बॉडी कैविटी इज कॉल्ड, जो आर्थोपोड्स की बॉडी कैविटी होती है उसको कहते हैं हेमोसील। हेमोसील का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो सिलोम होती है वो रिड्यूस हो जाती है और ब्लड सिफिल्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिफिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, सिफिलाइजेशन किस में होता है? फ्लैट वर्म्स में। सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो बॉडी का एंटीरियर पोर्शन होता है ना, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है हेड में। ठीक है, और इसमें ऑर्गेनिज्म के पास डेफिनेट हेड होता है। ये सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व हुआ था? सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था प्लेटी हेलमिंथिस ने। और ये एकाइनोडर्म में होते हैं, उनके अंदर सिविलाइजेशन अब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अपेंडिजेस फॉर लोकोमोशन इन एकाइनोडर्म, एकाइनोडर्म्स के अंदर लोकोमोशन के लिए क्या होता है? 2 फीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉमन बिटवीन पोरीफोर्स एंड सिलेंट्रेट्स, इन दोनों बीच में कॉमन क्या है? कि ये डिप्लोब्लास्टिक है और एसिलोमेट है दोनों ही। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनिमल फ्लोट और स्विम ऑन सरफेस ऑफ वाटर, अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे किया था, जो फ्लोट करते हैं स्विम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर पे न्यू स्टोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स लिविंग इन बरोज आर कॉल्ड, जो जैसे जो जमीन के नीचे रहते हैं धरती खोद के, उनको क्या बोलते हैं? फोसोरियल। फोसोरियल के अलावा कर्सोरियल कौन से होते हैं? जो भागने के लिए, जो जिनके लिम्स होते हैं वो भागने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, जैसे कि चीता हुआ, ठीक है ये। और क्या है, स्कैनसोरियल कौन से होते हैं? जिनकी एबिलिटी क्या है, प्लांट के ऊपर क्लाइंब करने की या किसी भी चीज़ के ऊपर क्लाइंब करने की हो जाती है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि बर्ड हुआ, लिजार्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल इज द एग्रीगेशन ऑफ, जो फिशीज का एग्रीगेशन होता है उसके लिए एक टर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं? शोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में प्रेजेंट होता है? साइकोन में, क्योंकि ये पोरिफेरा में आता है और सबसे लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोम डेवलप्ड फ्रॉम मेसोडर्म सेल्स इज कॉल्ड, सिलोम जो मेसोडर्म सेल से डेवलप होता है उसको कहते हैं साइजोसिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल सिमेट्री फाइलम आर, कौन से फाइलम के अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है? तो मिलती है काइनोडर्मेटा और अर्थोपोडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन डज नॉट ओकर इन अमीबा, अमीबा के अंदर कौन सा मेथड होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए? मल्टीपल फ्यूजन होता है, स्पोरुलेशन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, बट कॉन्जुगेशन होता है वो नहीं होता, वो प्रोकैरियोट्स में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया प्रेजेंट इन अमीबा, अमीबा के अंदर कौन से टाइप के सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं लोबोपोडिया। एक कैसे होता है, जैसे ऐसे ऐसे, ये मान लो ये अमीबा है, तो इसमें ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिससे ही मूवमेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लोबोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोजोआ मेक्स अर्थवॉर्म स्टीराइल देयर बाय रिड्यूसिंग फर्टिलिटी, वो कौन सा प्रोटोजोआ है जिससे अर्थवॉर्म क्या होता है? स्टीराइल। और अर्थवॉर्म क्या होता है? फार्मर्स के फ्रेंड भी माने जाते हैं, ये सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, तो अगर ये स्टीराइल हो गया तो ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा और सोयल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो वो प्रोटोजोआ कौन सा है? वो है मोनोसिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोज ऑफ स्कूफनर्स डॉट इन अर्थ्रोसाइट्स, ये किसकी वजह से होता है? अर्थ्रोसाइट्स में स्कूफनर्स डॉट किसकी वजह से आते हैं? वो आते हैं मलेरिया की वजह से, और मलेरिया कौन कर को क्योज करता है? प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वोल्वैक्स। मलेरिया कौन कोज करता है? प्लाज्मोडियम वोल्वैक्स एंड ओवेल, ये कोज करते हैं क्या? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनोफेरिंग्स बिलोंग टू, एक्टिनोफेरिंग्स बिलोंग करते हैं हेलियोजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलोकैंथा इज, ओलोकैंथा क्या है? ओलोकैंथा रेडियोलेरियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन होती है उसका ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं? जीआरडीआ, क्योंकि इसकी जो मेनली पूरी लाइफ साइकिल होती है वो इंटेस्टाइन के अंदर ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस्टिगैम्बिया इज लिंक बिटवीन, मेस्टिगैम्बिया किसके बीच में लिंक है? ये है जूफ्लेजिलेट्स और सार्कोडीन्स के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म NMEP स्टैंड्स फॉर, ये टर्म किसके लिए स्टैंड होती है? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंट ऑफ RBC डिस्ट्रॉयड बाई पर डे बाई मलेरिया, मलेरिया पर डे कितनी RBC का परसेंट डिस्ट्रॉय करता है मलेरियल पैरासाइट? वो करता है 5% पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मॉस्किटो डज नॉट कैरी मलेरियल पैरासाइट बिकॉज, जो मलेरिया कोज करती है वो ओनली फीमेल मॉस्किटो ही करती है, मेल मॉस्किटो नहीं करती, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो के पार्ट है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, बट जो मेल मॉस्किटो है उसके पार्ट मॉडिफाई नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अमीबा सिस्टोल एंड डाइस्टोल आर फाउंड इन, अमीबा में सिस्टोल और डाइस्टोल किसके अंदर फाउंड होते हैं? वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैरामीजियम सीलिया आर, पैरामीजियम में सीलिया क्या होते हैं? सीलिया होते हैं वो बड़े होते हैं किसके ऊपर? पोस्टीरियर जो एंड होता है ना वहाँ से बड़े होते हैं सीलिया पैरामीजियम में। सेलुलोज डाइजेशन इन एंट्स डन बाई वुमेंस में क्या है? सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर ऐसा ऑर्गेनिज्म मतलब जो एंजाइम्स है वो नहीं होते, पर एंट्स में हो जाता है। तो एंट में कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जो करता है सेलुलोज डाइजेशन? वो होता है ट्राइकोनिम्फिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीरोस्पोंजिया इज, प्रोटीरोस्पोंजिया वो क्या होता है? कोलोनियल जूफ्लेजिलेट होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन इंटेस्टाइन साइटोलाइसिन इज रिलीज्ड बाय, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में साइटोलाइसिन कौन रिलीज करता है? वो करता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये जो ये है ये क्या होता है? ये जो साइटोलाइसिन होता है ये होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, ये जो सेल है उसकी सेल वॉल के ऊपर इफेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लाज्मोडियम एक्स फ्लैजिलेशन इज फाउंड इन, एक्स फ्लैजिलेशन किस में फाउंड होता है, माइक्रोगैमेटोसाइट्स में फाउंड होता है क्या एक्स फ्लैजिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस ऑफ अमीबा ड्यूरिंग फ्यूजन डिवाइड्स, अमीबा का न्यूक्लियस होता है वो कैसे डिवाइड होता है, वो डिवाइड होता है एमाइटोटिकली। एमाइटोटिकली क्या होता है कि उसमें सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होता है, सिर्फ क्लीवेज से हो जाता है, उसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता ना क्रोमोसोम की अपीयरेंस होती, तो उसको क्या कहते हैं एमाइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शो इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन ड्यू टू, इनलार्जमेंट होती है स्प्लीन की जब पेशेंट में मलेरिया हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है, हेमोरेज ऑफ आर्टरी, आर्टरी है उनका ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से इनलार्जमेंट हो जाती है स्प्लीन की। द चिल एंड फीवर साइक्लिक ऑकरिंग एट एवरी 48 आवर्स इन बेंगिन टेरियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है, पी वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्स आर मोर एडवांस देन प्रोटोजोआ बिकॉज, स्पॉन्ज है वो प्रोटोजोआ से ज़्यादा एडवांस होते हैं क्योंकि इनकी सेल के अंदर लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होता है बल्कि प्रोटोजोआ में वो भी प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिंग स्पॉन्ज, बोरिंग स्पॉन्ज कौन सा होता है, बोरिंग स्पॉन्ज होता है पी का सेकंड, जो सिलियोना होता है उसको क्या बोलते हैं, बोरिंग स्पंज। बात स्पंज कौन सा होता है, वो होता है यू स्पॉन्जिया। हॉर्स स्पंज होता है ये हिपोस्पॉन्जिया को बोलते हैं हॉर्स स्पंज, और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है वो होता है स्पॉन्जिला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड मैंस फिगर इज कॉमन नेम ऑफ, डेड मैंस फिंगर किसका कॉमन नेम है, ये है सेलिना का, डेड मैंस फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेक्सा एक्टिनिलिडा द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज, एक्जेक्टिनिलिडा होता है उसके अंदर कौन सा टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, साइकोन या फिर ल्यूकोन, तीन टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं, एस्कोन साइकोन और ल्यूकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल फाइलम हैज़ लोवेस्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे लोवेस्ट कौन पे आता है, पोरीफेरा के अंदर होता है सबसे लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम कैनियोसाइट्स लाइन बाय, जो ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम होता है कैनियोसाइट किस कौन से पार्ट के अंदर होती है, फ्लैजिलेटेड जो चैम्बर होता है उसके अंदर क्या होती है, कैनोसाइट्स होती है। स्काइफा क्या है, रेडियली सिमेट्री होती है स्काइफा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नोन एज स्पोर्स ऑफ स्पॉन्ज, स्पोर्स ऑफ स्पॉन्ज किसको कहते हैं, जीम्यूल्स होते हैं, स्पॉन्स के अंदर कौन से स्पॉन्ज होते हैं उसके अंदर कौन से स्पोर्स बनते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं उनको कहते हैं जीम्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कैरमाइन पार्टिकल इज पुट ऑन ऑस्कुलम ऑफ ए लिविंग स्पॉन्ज इट विल, ऑस्कुलम से क्या होता है, वाटर बाहर आता है, तो इसके ऊपर कुछ भी रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाहर थ्रो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकल टू ऑल पोरीफेरा, इनमें से पोरीफेरा की मतलब ऐसा चीज बताना जो सब के अंदर मिलती है बट एक ऐसा है जो नहीं मिलती सारे सब के अंदर, वो होता है प्रेजेंट ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, हो जरूरी नहीं कि स्पॉन्जिन फाइबर सब में प्रेजेंट हो बट परफोरेटेड बॉडी सब के अंदर मिलेगी, पोर्स और कैनाल मिलेंगे और कैनियोसाइटिक सेल्स भी इसकी क्या है, एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट मेजर फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंज, स्पंज के मेजर कैनाल सिस्टम होता है स्पंज का, उसके अंदर मेजर फंक्शन किस चीज़ का नहीं होता, ये डेवलपमेंट ऑफ जीम्यूल्स में हेल्प नहीं करता, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, बट ये जो सी ऑप्शन है ये इसका फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पंज प्रोसोफाइल इज, जो स्पंज होते हैं इसमें प्रोसोफाइल क्या होता है, प्रोसोफाइल क्या है, एक स्मॉल कैनाल होती है जो कनेक्ट करती है इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल को क्या करती है, कनेक्ट करती है, कौन सी, प्रोसोपाइल कनेक्ट करती है रेडियल कैनाल और इन करंट कैनाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल स्पॉन्ज आर बेस्ट फाउंड इन, कमर्शियल स्पॉन्ज सबसे अच्छे कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं शैलो वाटर ऑफ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी है उसको शैलो वाटर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोसाइट्स क्या होती हैं, मायोसाइट्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है मायोसाइट सेल, ये स्पिंटर की तरह काम करती हैं। कैनियोसाइट सेल होती हैं वो क्या होती हैं, कैनोसाइट होती है फ्लैजिलेटेड होती है, ये फीडिंग में हेल्प करती है। और जो थीजोसाइट सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये राउंड होती है, फूड मटेरियल इनमें क्या होता है, रिजर्व होता है। और आर्कियोसाइट्स ये क्या होती है, टोटिपोटेंट सेल्स होती है, शूडोपोडियम में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जू
कोलेरा एंड हाइड्रा एग्जिबिट्स वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या होता है, कमेंसलिज्म होता है। कमेंसलिज्म क्या है कि इसमें एक का तो नुकसान होता है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइसेलिया निमेटोब्लास्ट पैरालाइज द प्रे बाई। जो फाइसेलिया है उसमें निमेटोब्लास्ट सेल होती है, वो अपने प्रे को कैसे, मतलब प्रे से कैसे बचती हैं, उसको पैरालिसिस किसकी वजह से होता है, वो होता है न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करती है उसकी वजह से। जेलीफिश ओरिलिया इज फाउंड अबेंडेंटली इन। जेलीफिश और ओरिलिया कहाँ पाई जाती है, वो मिलती हैं तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा। मून जेली इज कॉमनली कॉल्ड एज, मून जेली होती है वो कॉमनली, उसको कॉमन नाम क्या है, ओरिलिया कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज, हाइड्रा की बॉडी है वो क्या होती है, कवर होती है थिन क्यूटिकल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रा सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म इज प्रोवाइड बाय। हाइड्रा में सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है, नर्व नेट करता है और एक एपिथेलियल मस्कुलर सेल, ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ हाइड्रा गिव राइज टू। एम्ब्रियोनेटेड एग है हाइड्रा का, वो क्या है, वो क्या है, जो यंग पोलिप होता है उसको उसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलाइजेशन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस इन। हाइड्रा का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पेरेंट के अंदर ही होता है, बट वाटर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू कोरल, ब्लू कोरल कौन से होते हैं, ब्लू कोरल होते हैं हीलियोपोरा को क्या बोलते हैं, ब्लू कोरल। रेड कोरल, रेड कोरल होते हैं कोरोलियम। ब्लैक कोरल, जो एंटीपैथ्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लैक कोरल। और आई कोरल होते हैं ओक्यूलिना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ लेसो ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ निमेटोसाइट्स। जो निमेटोसाइट होता है वो क्या डिस्चार्ज करता है, लेसो, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है ये प्रिवेंट करता है डीअटैचमेंट ऑफ निमेटोसाइट्स। ये क्या काम करता है कि जो निमेटोसाइट है उसकी निमेटोब्लास्ट होता है उसके साथ अटैचमेंट करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज़ बीन प्लेस्ड इन रॉन्ग हैबिटेट। इसमें एक हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये भी सही है। फाइसीलिया मैरीन में, एडेमसिया सी वाटर में पाया जाता है, ये सारे सही हैं। बट ओरिलिया होता है वो मैराइन वाटर में पाया जाता है मोस्टली, ना कि फ्रेश वाटर में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि एसेक्सुअल से सेक्सुअल और सेक्सुअल से एसेक्सुअल जो अल्टरनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये ओबिलिया और फाइसिलिया में प्रेजेंट होता है बट ओरेलिया में नहीं होता। यही पूछ रहा है किस में नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता ओरेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ओरेलिया है वो क्या है, ओरेलिया है वो है डायोसिस। मतलब डायोसिस क्या होता है कि जो मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग में पाए जाते हैं, ना कि सिर्फ एक ऑर्गन जब में कि दोनों फाउंड हो गए, एक में अगर पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं मोनोसिस। और ये ओरिलिया क्या है, डायोसिस। द टेस्ट ऑफ हाइड्रा आर फाउंड बिटवीन। टेस्ट ऑफ हाइड्रा किससे बनती हैं, इंटरस्टिशियल सेल है वो बनाती है हाइड्रा का टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा के एपिडर्मिस में कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, बट वो एंडोडर्म में प्रेजेंट नहीं होती, वो होती हैं स्टिंगिंग सेल और जर्म सेल। ये स्टिंगिंग सेल और जर्म सेल होते हैं सिर्फ एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, एंडोडर्म में नहीं होती। फुंजिया इज कॉमनली नोन एज, फुंजिया कॉमनली किसका नाम है, ये है मशरूम कोरल जो होता है उसको कहते हैं फुंजिया। निडेरियंस आर, निडेरियंस होते हैं वो ऑर्गेंजम होते हैं जिनके अंदर माउथ होता है बट एनस नहीं होता, ठीक है। इनमें कौन सा होता है, मतलब ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हो गया इनमें, ये माउथ है एक ही ओपनिंग है उसी से दोनों काम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हाइड्रा इज ब्रोकन इनटू पीसेस। अगर हाइड्रा ब्रोक हो गया तो उसमें क्या होती है कि अलग डीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, तो हर जो पीस है वो एक नई कंप्लीट हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू निमेटोसाइट्स इन हाइड्रा डेवलप फ्रॉम। न्यू निमेटोसाइट्स होती हैं वो हाइड्रा में किससे डेवलप होती हैं, वो होती हैं इंटरस्टिशियल जो सेल होती है वो डेवलप करती है क्या, निमेटोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोग्लैटिड्स प्रेजेंट इन एकाइनस ग्रेनुलोसिस। 3 से 4 प्रोग्लैटिड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, एकाइनस ग्रेनुलोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोग्लैटिड्स टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम में किस कितनी प्रेजेंट होती हैं, इसमें होती हैं 900, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोलाइसिस इज, एपोलाइसिस क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रेविड, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होता है उसमें, जब ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होती हैं वो रिमूव होती हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोस्टोमा इज, सिस्टोस्टोमा क्या है, ये यूनिसेक्सुअल होता है सिस्टोस्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फैशियोला जर्मिनेशन ऑफ कैप्सूल प्रोड्यूस। फैशियोला में जो कैप्सूल का जर्मिनेशन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मीरासीडियम। ये क्या करता है, होस्ट को फिर इन्फेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर फ्लूक इज, लीवर फ्लूक क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये जैसे ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर फीड करता है लीवर फ्लूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ प्लेटीहेलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस का इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है वो होता है फ्लेम सेल, और फ्लेम सेल क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ईच मैच्योर सेगमेंट ऑफ टेनिया, जो सेगमेंट होती है टेनिया की जो मैच्योर होती है वो क्या होती है, मोनोसीस होती है, मतलब उसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैशियोला अटैचेज इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ बाइल डक्ट बाय मीन्स ऑफ, जो फैशियोला खुद को अटैच करता है बाइल डक्ट की जो वॉल होती है वो किसके थ्रू करता है, स्पाइनिक क्यूटिकल और उसके अंदर जो पोस्टीरियर शकर्स होते हैं उसकी हेल्प से। साइक्लोस्टोमा लिव्स इन ह्यूमन बॉडी इन, जो सॉरी ये साइक्लोस्टोमा नहीं है, ये स्टिसोस्टोमा ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में मिलता है, ये मिलता है लिम्फ नोड में मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लड वेसल्स में मिलता है, मेसेंट्रिक हेपेटिक पोर्टल में, सब में मिलता है ये, या स्टिसोस्टोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटीहेलमिंथिस क्या है, प्लेटीहेलमिंथिस है एसिलोमेट, प्लेटीहेलमिंथिस के बाद शुरू होती है क्या, सुडोसिलोमेट, जैसे एस्केहेलमिंथिस होते हैं वो होते हैं सुडोसिलोमेट्स, और ये यहाँ तक क्या होता है एस्के एसिलोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट आर इंक्लूडेड इन, जो फ्लैटवर्म के एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट होता है वो ट्रीमेटोड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन, बायलेटरल सिमेट्री वो किसके अंदर फाउंड होती है, इस क्वेश्चन में बायलेटरल सिमेट्री होती है वो मोलस्का के अंदर भी फाउंड होती है और प्लेटीहेलमिंथस के अंदर भी फाउंड होती है, तो इसके आंसर दोनों हो सकते हैं सी और डी, बस इसमें दे रखा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलहेरिजिस इज इन्फेक्शन ऑफ, बिलहेरिजिस किससे होता है, ये होता है सेचोस्टोमा से होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, सेचोस्टोमियसिस इसका दूसरा नाम है, ये सेचोस्टोमा से होता है, और ये जो सेचोस्टोमा है ये है ना क्या है, ये एक पैरासिटिक वोम है जो डिजीज कोज करता है। इन सेचोस्टोमा गाइनेकोफोरल कैनल इज प्रेजेंट इन, गाइनेकोफोरल कैनल होती है वो मेल में प्रेजेंट होती है, और ये जो कब कॉपुलेशन करते हैं तो उस टाइम ये फीमेल को होल्ड करने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्वा और एम्ब्रियो प्रेजेंट इन ऑनकोस्पोर ऑफ टेपवर्म इज कॉल्ड, टेपवर्म का जो लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं, एग्जाकेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिव टिश्यू फिल्स इन स्पेस बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स इन फ्लैटवर्म, जो फ्लैटवर्म के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उनके अंदर एक टिश्यू फिल हो जाता है उसको क्या कहते हैं, अपन कहते हैं उसको पैरेन्काइमल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर रोट इज कॉज्ड बाय, लीवर रोट कौन कॉज करता है, वो करता है फैशियलो हिपेटिका, इसमें लीवर वो सड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइनीज लीवर फ्लू क्विज, चाइनीज लीवर फ्लू का क्या नाम है, वो है कोलोनर्किस साइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट फॉर टेपवर्म, लीवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया आर, लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया है वो दोनों ही फ्लैटन बॉडी होती है उन दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमिंथिस इंक्लूड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमिंथिस इंक्लूड, हेलमिंथिस के अंदर कौन क्या क्या इंक्लूड होता है, वो होता है सिस्टेड होते हैं, ट्रीमेटोड्स होते हैं, टर्बुलेरिन, ये तीनों किसके अंदर होते हैं, हेलमिंथिस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इन्फेक्शन ऑफ पिनवॉर्म इज नोन एज, पिनवॉर्म का जो इन्फेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीयूरेसिस और एंटेरोबायसिस, ये दोनों ही कहलाते हैं इन्फेक्शन ऑफ पिनवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ट ऑफ एस्केरिस टेक्स प्लेस, एस्केरिस की होती है वो पूरी लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट इंटेस्टाइन के अंदर होती है, मतलब डेवलपमेंट पूरी इंटेस्टाइन के अंदर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, एनसाइक्लोस्टोमा इज एंडोपैरासाइट ऑफ, एनसाइक्लोस्टोमा है वो किसका अंदर पाया जाता है, वो पाया जाता है डोडेनम के अंदर एनसाइक्लोस्टोमा। कालाबर स्वेलिंग इन आइज इज कॉज बाई, आइज के अंदर स्वेलिंग कौन कॉज करता है, वो करता है लोया लोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनल सीटा राइज इज फॉर्म, पीनल सीटा राइज होता है क्लोइका ऑफ मेल से, पीनल सीटा का ये पीनल सीटा है वो मेन करेक्टरिस्टिक है किसकी, एस्केरिस की, एस्केरिस की, ये हेल्प करता है किसमें, कॉपुलेशन में। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एस्केरिस कंप्राइजेज ऑफ, जो इस जो ये होता है ना कि एस्केरिस के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर एक सिंगल टेस्टिस होती है और फीमेल के अंदर एक पेयर होता है किसका, ओवरीज का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ राउंड वर्म इज कॉल्ड, राउंड वर्म की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, निमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हुकवर्म इज कॉल्ड सो बिकॉज इट पोजेस। हुकवर्म को हुकवर्म क्यों कहते हैं? इसको हुकवर्म कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कर्वेचर प्रेजेंट होता है। किसमें? एंटीरियर रीजन में, आगे का जो पोर्शन होता है उसके अंदर एक कर्वेचर प्रेजेंट होता है, इसलिए कहते हैं उसको हुकवर्म। हुक टाइप का होता है वो, शेप होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एस्केरिस रिक्वायर। एस्केरिस को डेवलपमेंट के दौरान कोई भी होस्ट नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर डेवलपमेंट करता है अपनी पूरी, जो डेवलपमेंट करता है वो अपने चार जुवेनाइल स्टेज के अंदर करता है एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द करेक्ट मैच ऑफ पॉजिटिव एजेंट बचाने। लेस स्लीपिंग सिकनेस होती है वो ट्रिप्नोसोमा से होती है, तो ये हो गया गलत। काला आजार होता है वो किससे होता है? लेसमेनिया से, ये भी हो गया गलत। वो चेज है वो फिलेरिसिस से होता है, ये हो गया सही। और जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये भी हो गया गलत। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फिड्स आर प्रेजेंट इन एस्केरिस होन। एम्फिड्स के होते हैं पेयर ऑफ लेटरल सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, सेंसरी ये एम्फिड्स है कि एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एस्केरिस में वेंट्रोलेटरल लिप्स होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिलीफॉर्म लार्वा ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा एंटर्स इन ह्यूमन बॉडी। जब अपन बेयर फुट चलते हैं तो उस टाइम ये फ्लैरीफॉर्म लार्वा है ये अपनी बॉडी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और इससे होता क्या है कि ये वेंस के थ्रू जाता है, फिर ये हार्ट और लंग्स में जाता है, और लंग्स के थ्रू ये फेरिंग्स में पहुंच जाता है, तो इससे स्वेलिंग हो जाती है। किसकी? फेरिंग्स की, फेरिंग्स की स्वेलिंग करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्वा ऑफ एस्केरिस सर्कुलेट इन बॉडी थ्रू फॉलोइंग कोर्सेज। जो लार्वा होता है एस्केरिस का वो कहाँ कहाँ से करता है? पहले एलिमेंट्री कैलान में, फिर लीवर, फिर हार्ट, फिर लंग्स, ट्रेकिया, फिर फेरिंग्स, और फिर वापस से एलिमेंट्री कैनाल, वो ये सर्कुलेट होता रहता है ऐसे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुवेलाइंस ऑफ ट्राइकिनिया वॉर्म फॉर्म सिस्ट इनसाइड। जो जुवेनाइल होते हैं ट्राइकिनिया वॉर्म का, वो बॉडी के कौन से पार्ट में सिस्ट फॉर्म करता है? वो करते हैं किसके अंदर? स्ट्रिप्टेड मसल्स होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वॉर्म। ब्लिस्टर्स किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? वो होते हैं ड्रेनिकुलस। ब्लिस्टर्स होते क्या हैं? जब जल जाते हैं उस टाइम जो फफोले से होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ ट्राइकिनिया वॉर्म। ट्राइकिनिया वॉर्म का इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? पिग्स का। जो लोग मीट खाते हैं पिग्स वगैरह का, उनके अंदर क्या होता है? ट्राइकिनिया वॉर्म का इन्फेक्शन हो जाते हैं। ग्रोथ ऑफ फिलेरियर वॉर्म इनसाइड लिम्फ वेसल्स कॉज देयर ब्लॉकेज। जो लिम्फ वेसल का ब्लॉकेज होता है उसको क्या बोलते हैं? लिम्फोडर्मा। इस जो वेसल्स के ब्लॉकेज होते हैं उसके लिए एक टर्म आते हैं, वो क्या है? लिम्फोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइज प्रेजेंट इन प्रोस्टोमियम ऑफ नर्व। नेरिस होता है प्रोस्टोमियम का, उसके अंदर कितनी आइज प्रेजेंट होती है? उसके अंदर आइज प्रेजेंट होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ ब्लड इन डोर्सल ब्लड वेसल्स ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फॉर्म होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है? वो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे से आगे एक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलिड्स हैविंग गिल्स फॉर रेस्पिरेशन इन। एनिलिड्स के अंदर जो गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन में, वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? वो होता है टर्बिले के अंदर। एनिलिड्स के को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो उनमें से टर्बिला है उसके अंदर क्या होता है? गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म्स नॉट फाउंड इन इंडिया। अर्थवर्म्स की कौन से टाइप का अर्थवर्म इंडिया में नहीं पाया जाता? वो लम्बरेकस, ये इंडिया में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर्म हैविंग एपिटोक एंड एटोक्रिजन। एपिटोक्रिजन और एटोक्रिजन क्या होते हैं? जैसे एक वॉर्म की बॉडी है उसका जो टेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिटोक, टेल पार्ट को। और जो हेड पार्ट हो गया उसको क्या बोलते हैं? ये हेड पार्ट उसको क्या बोलते हैं? अटोक। तो इसमें क्या होगा, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हिटरोनेरिस होता है, उसके दो रीजन होते हैं, क्या क्या? एपिटोक और अटोक, अलग अलग रीजन हो गए, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? हिटरोनेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली कॉल्ड एज पीनट वॉर्म। पीनट वॉर्म क्या होता है? स्पिनोकुलस है, उसको क्या बोलते हैं? पीनट वॉर्म। इनमें से सही बताना, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन कौन सा? पॉलीचीटा का, यही गलत है, बाकी सारे सही। ओलिगोचीटा में फेरेंटीमा आता है, हिरोडिनिया पोंटोबिला, और ओलिगोचीटा में एफ्रोडाइट। द एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवॉर्म आर। एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया होते हैं अर्थवॉर्म में, वो क्या होते हैं? वो होते हैं फेरेंजियल और सेप्टल रीजन में, इस रीजन प्रेजेंट होते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया और मेटल नेफ्रिडिया ओपन आउटसाइड। जो सेप्टल नेफ्रिडिया होता है वो बाहर की साइड ओपन होते हैं, किसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ओपन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डोर्सल सरफेस ऑफ एफ्रोडाइट इज कवर्ड बाय, डोर्सल सरफेस पीछे का जो सरफेस होता है एफ्रोडाइट का वो किससे कवर्ड होता है, वो होता है इलेक्ट्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म बॉडी इज डिवॉइड ऑफ, अर्थवर्म की बॉडी में अपेंडेजेस नहीं होते, क्यूटिकल होते हैं, सीटा होता है, एपिडर्मिस होता है, पर उसके अंदर अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रोस्टोम इन अर्थवर्म इज फाउंड ऑन, नेफ्रोस्टोम होते हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, वो होते हैं सेप्टल नेफ्रेडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोमिक फ्लूइड ऑफ फेरेंटीमा इज, जो फेरेंटीमा के अंदर सिलोमिक फ्लूइड होता है वो एल्किलाइन होता है, एल्किलाइन क्या होता है पीएच जिसका 7 से ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं, एल्किलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ फेरेंटीमा, फेरेंटीमा का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, उसके अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर रिलेटेड टू फेरेंटीमा, करेक्टली मैच पेयर जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है वो 14th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू लीच, लीच का जो क्लाइटेलम का रीजन होता है वो परमानेंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट है, ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी फर्टिलाइजेशन वेजाइना में होते हैं, पैरापोडिया सीटा नहीं होते, और जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो क्या है, बोर्थाइड्रल टिश्यू होता है, ये सारे स्टेटमेंट सही है। ग्रुप ऑफ एनिडिडा विद कोपिलेटरी ऑर्गन्स, लीच, लीच है उसके अंदर क्या होता है, कोपिलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और ये एनिलिडा के अंदर आते हैं, ठीक है। आज कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और जो डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।